हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मेरे फ्रेंड ने एक मांझा मंगाया था बहुत जिद करके कि उसी पर्टिकुलर मेकर का चाहिए, वो आ चुका है। ऐसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि जल्दी आ जाएगा, तो जितनी लग रहा था मुझे, पर जल्दी आ गया है। तो मैं आज आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊँगा, और इसके जो आपको कुछ डाउट्स या डिटेल वगैरह लेने हैं, आपको प्राइस वगैरह, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूँगा, जिनसे मंगाया उनका नंबर डाल दूँगा। तो आप वहाँ से देख लेना, कमेंट्स में मत पूछना मुझसे, आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टैक्ट ही कर लेना, तो आपको सारी डिटेल बता देंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि कौन से मेकर का इन्होंने मंगाया है मांझा, कौन सा नहीं है, देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। मैंने तो इनसे कहा था कि अगर उनका नहीं मिल रहा तो किसी दूसरे का ले लो, पर ये बहुत जिद कर रहे थे कि नहीं, उसी उन्हीं का ही चाहिए, उन्हीं का ही चाहिए। और इन्होंने कॉन्टैक्ट किया होगा तो शायद वो मिल नहीं पा रहा होगा, इन्होंने मुझसे कहा था। तो मेरे एक जानने वाले हैं ये प्रिंस भाई जानने वाले हैं, इनसे मैंने कहा तो इनके पास अवेलेबल था, तो मैं दिखाता हूँ आपको। इनका मैं नंबर दे दूँगा प्रिंस भाई का। बहुत अच्छे से इन्होंने पैक करके भेजा है आपको। शायद वीडियो में ये काफ़ी छोटा बॉक्स लग रहा होगा, एक चर्ची के अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही बड़ा बॉक्स है। ये देखिए कितना इन्होंने काफ़ी बड़ा अच्छे से पैक करके दिया, बहुत ही बड़ा बॉक्स है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक चर्की के लिए इतना बड़ा बॉक्स आएगा, क्योंकि मैं और भी मंगाता रहता हूँ, जैसे अदनान भाई वगैरह से, तो वो दो तीन चर्की भी कम उसमें पैक कर देते हैं ईजिली। इन्होंने काफ़ी बड़ा पैक किया हुआ है, तो देखते हैं। ये देखिए न्यूज़पेपर वगैरह से इन्होंने अच्छे से फोल्ड्स किए हैं। और ये मांझा मेरे लिए नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ये मुझे अपने फ्रेंड को ही देना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो फैंसी चरखे पे लगा हुआ है भाई, फैंसी चरखे पे लगा हुआ है ये। अरे ये तो YKC का है, यासीन छुटका जी का मांझा है ये तो। हाँ तो फ्रेंड्स, यही सस्पेंस था, वो मेरे फ्रेंड ने बोला था कि जो है उसे यासीन छुटका का ही मांझा चाहिए। मैंने तो उसे कहा था कि किसी और का ले ले, अंदान भाई हमारे बहुत अच्छा मांझा लगाते हैं उसका ले ले, पर वो माना नहीं। उसने कहा कि नहीं, उसे यासीन छुटका का ही चाहिए। तो मैंने फिर प्रिंस भाई हैं हमारे करनाल में, उनसे कांटेक्ट किया था, वो YKC का ही मांझा रखते हैं ज़्यादातर, बल्कि वो YKC का ही रखते हैं, वो किसी और का रखते भी नहीं। YKC में जितने भी 11920, 11925 और 1926 जितने भी आते हैं ब्लॉक्स, वो रखते हैं अपने पास। उनका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अगर आपको किसी को YKC का ही स्पेशली चाहिए और किसी का आप नहीं चाहते लेना, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट लेना, क्योंकि YKC इस टाइम बहुत बिजी हैं, उनके यहाँ तो मेकर्स नहीं हैं या जो भी रीजन है, बोलता हूँ शायद वर्कर्स ही अवेलेबल नहीं होंगे उनके, आई थिंक, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम चल रहा है अभी। बहुत अच्छे से इन्होंने बबल वाली रैपिंग की हुई है, और बहुत मस्त है ये, फैंसी चरखा लगा हुआ है, देखिए ये देख सकते हैं आप, फैंसी चरखे पे लगा हुआ है। और ये है 11926, इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, कौन से कलर का है ये।
वाह, ग्रे कलर का मांझा है, देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और आई थिंक इन्होंने ये 1 साल से ऊपर रखा हुआ मांझा भेजा है, बहुत ही बढ़िया है। और प्रिंस भाई के पास आपको ओरिजिनल वाईकेसी के मांझे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, और वो आप घर तक कूरियर भी करा देंगे। तो किसी को वाईकेसी अगर लेना हो तो वो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी को अगर मेरे फ्रेंड की तरह ही जिद है कि भाई वाईकेसी ही लेना है और कोई नहीं लेना, उन लोगों के लिए स्पेशली कहूँगा मैं, नहीं तो आप कोई भी मेकर का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जो मैंने अपने वाईकेसी की वीडियो में दिखाई थी आपको, एक तो ये स्टिकर दिखाया था आपको, ये गोल्डन वाला 11926 का ये स्टिकर होना चाहिए। और जो दो तीन स्टिकर ये दिखाए थे, ये वाला और एक ये ब्लैक साइन जिस पे साइन हो रहे हैं, ये ब्लैक वाला स्टिकर हल्का हल्का दिख रहा होगा अभी मांझे में थोड़ा ढका हुआ है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स करके। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप लोगों को देता रहूँगा टाइम टू टाइम। जैसे भी मैं आगे पतंग या मांझा जो भी लिया करूँगा तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको देता रहूँगा। और काइट कटिंग ट्रिक्स मैंने पुरानी वीडियो में डाल दी है, तो आप वो देखिए, और इजीली आप लोग उसे देख के फिर दूसरों की पतंग काट सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।